चलिए निम सेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आकाश से, आकाश कुमार से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 179 है, जो कि झारखंड से हैं, जमशेदपुर से। और सबसे खास बात यह कि आकाश क्योंकि पहले गवर्नमेंट सेक्टर की पढ़ाई कर रहे थे, 2 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, पर वो कुछ समझ में नहीं आया, बीच में निम सेट की तैयारी की। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी जरा अलग तरह की आकाश, तो सबसे पहले तो ऑल इंडिया रैंक 179 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और अब मैं चाहूंगा आप सर अपनी सक्सेस जर्नी बताएं, कैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद पहले गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, कब आपके मन में आया निमसेट की तैयारी करनी है, और फिर किस ढंग से अपने माइंड को सेट किया और प्रिपरेशन की। सर सर पहले तो मेरा इंटरेस्ट यही सब फील्ड में था, कोडिंग, कंप्यूटर, ये सब फील्ड में मेरा इंटरेस्ट थे। लेकिन 12th के बाद कुछ रीजंस की वजह से हम इस पे परस्यू नहीं कर पाए थे। ठीक है तो पहले मैंने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की, 1-1.5 साल प्रिपरेशन की। उसके बाद सर मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और अब मेरी फैमिली कंडीशन भी है वैसे कि अब मैं इस पे परस्यू कर सकता हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मेरे पास 3 महीने का ही टाइम था। तो मुझे पता चला कि ऐसे एग्जाम होने वाले हैं जून में, तो पहले तो सर मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही रिसर्च किया बहुत। तो मुझे आपका मेडिकल कैप्सूल कोर्स 2023 मिला। तो YouTube पे सारे चैप्टर्स की वीडियो अपलोडेड थे, तो मैंने पहले उससे देखा। तो उससे मुझे पता चल गया कि मुझे आप ही से पढ़ना है, क्योंकि सर आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बात मेरे को लगता है कि आप ये नहीं बोलते हैं कि आप इतने क्वेश्चंस कर लो या आप ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आपका मेन बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। सबसे मेन बात आपका ये है कि आप क्वेश्चन भले कम करो लेकिन कंसेप्ट पकड़ो। तो वो सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सर मैंने आपका सारा वीडियो देखा 2023 का। उसके बाद मैंने 2024 मेडिकल कैप्सूल में एनरोल किया। फिर वहाँ आपके सारे टेस्ट दिए, टेस्ट की डिफिकल्टीज भी बहुत डिफरेंट थे। बहुत पेपर इजी थे, बहुत पेपर हार्ड थे, बहुत पेपर मॉडरेट थे। तो उससे सारे टेस्ट पेपर का मुझे एनालिसिस भी मिल गया अच्छा से, और आपके लाइव एनालिसिस बहुत सारे कुछ थे ही। तो मुझे सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक भी पता चल गए, उससे ऑप्शन से कैसे करना है, ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं जो नहीं बन रहे हैं, जो टाइम टेकिंग है। तो वो सब मुझे पता चला, और इवेंचुअली मेरा रैंक अच्छा आ गया 2-3 मंथ्स बहुत अच्छा रैंक प्रिपरेशन आया के बाद। आपका, बहुत कम समय में तैयारी के बाद भी इतनी अच्छी रैंक अचीव करना अपने आप में मायने रखता है। इनफैक्ट जो आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी पढ़ाई काम आई, पर फिर भी निम हाँ, सेट का LRO थोड़ा सा डिपार्टमेंट में, हाँ LRO और आपको काम आया होगा, जहां तक हाँ यस सर। LRO क्वांट काम आया होगा, पर मैथ्स का लेवल अलग हो जाता है। उसके बाद भी आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपका कब माइंड सेट हुआ, मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना? क्योंकि तो वैसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब होते नहीं है, बहुत कम निकलते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। पर आपको जब आपने स्विच किया कि इससे इसमें जाऊं, तो कहीं कोई घबराहट या स्ट्रेस तो नहीं हुआ? हाँ सर, घबराहट था लेकिन मेरे ब्रदर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, क्योंकि सर 12th तक मैं ये सब फील्ड में बहुत अच्छा था। मैथमेटिक्स में भी 11th 12th की मैथ्स में पूछे जाते हैं मेनली, और JEE लेवल के, तो वो सब मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था और कंप्यूटर ही मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। और फिर मैंने गवर्नमेंट का किया था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट ही हो जा रहा है धीरे धीरे, सही बात तो है उसमें भी जी। जॉब बहुत कम हो जा रहे हैं। तो ये सब देखते हुए ही मुझे लगा कि मुझे ये फील्ड में करना चाहिए। तो आपने वैसे आपकी जर्नी काफी अलग है कि 2 साल पहले ग्रेजुएशन करने के बाद यह आना अपने आप में एक मायने रखता है, और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस लेवल भी होता है, पर फिर भी आपने उसको फेस किया, इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो आकाश, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब आप अपने जूनियर्स को जो कई बार कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये पता नहीं होता है कि उनको लाइफ में क्या करना है या ड्रॉप लेने से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपने खुद कई अलग तरह की सिचुएशन फेस की है? यस सर, मेरा तो बैकग्राउंड भी BSc है, मेरा BCA भी नहीं है बैकग्राउंड, मेरा BSc मैथ्स ऑनर्स है। तो मेरा फील्ड पहले अलग था और अब फील्ड अलग है, लेकिन मेन चीज वो है कि सर मेरा इंटरेस्ट है ये फील्ड में, क्योंकि 11th 12th से मैंने C++ पढ़ा है, तो मुझे वहीं से ही कोडिंग वोडिंग बहुत पसंद है। तो मैं यही बोला कि ड्रॉप लेना है तो आप अपनी मर्जी से लीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर लेंगे तो आप जरूर ड्रॉप लीजिए। ड्रॉप कोई बुरी बात नहीं है, आपको NIT मिल जाएगा, तो NIT का टैग ही बहुत बड़ा होता है, तो आप ड्रॉप लीजिए। लेकिन अगर आपको बिलीव इंटरेस्ट नहीं है ये फील्ड में, तो फिर ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो फील्ड में इंटरेस्ट है आप वहां परस्यू करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आकाश, कि अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको सॉफ्टवेयर या IT फील्ड में जाना है, तो आप फिर एक ड्रॉप या दो ड्रॉप मायने नहीं रखता।
पर अगर इंटरेस्ट नहीं, केवल ये देख के नहीं कि बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, ये देख के किसी को भी नहीं जाना चाहिए। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट अगर कोई बच्चा काम करता है तो उसके सक्सेस होने के भी चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब डेफिनेटली आकाश आपकी इतनी अच्छी रैंक है 179, तो आपको जहां तक NIT इलाहाबाद, वारंगल या भोपाल जो भी आप चाहोगे मिल जाएगा। तो आप किस NIT के बारे में अभी सोच के रखा है, कुछ दिमाग में है? सर अभी दिमाग में तो नहीं है सर, आपको आपसे ही गाइड लेंगे कि कौन सा NIT प्रेफरेंस फील करना चाहिए मेरे को या कौन सा मिले तो लेना चाहिए। बिल्कुल, तो वो तो खैर मैं आपको गाइड करूंगा ही, उसके लिए अलग से एक सेशन भी लूंगा। तो आकाश मैं चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स अगर आपके साथ हों तो उनसे भी मिलूं मैं। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया है। हाँ सर खुशी तो है बहुत, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, क्या करें कोई बात नहीं, चलो अपन अभी, बाद में कर मतलब लेंगे। आप जब भोपाल आओगे अपन जब हाँ कर लेंगे, ठीक है? चलो, ऑल हाँ द सर बेस्ट अवार्ड बेटा। सेरेमनी में लेके आएंगे। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू बेटा।